जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से बैठकर खाना खाते हैं। जमीन पर बैठकर, टेबल कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं। दोस्तों, हमारे देश की प्राचीन सभ्यता में ऋषि मुनियों से लेकर राजा महाराजा तक सभी जमीन पर बैठकर आसन लगाकर ही खाना खाया करते थे। समय बीतता चला गया और एक समय ऐसा आया जब हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी में रहा, अंग्रेजों की दास्ता में रहा। अंग्रेजों का गुलाम होने के बाद हमारे देश में टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना खाने का एक फैशन सा बन गया, एक स्टेटस सिंबल बन गया, स्टैंडर्ड हो गया। घर में, बाहर जहाँ देखो डाइनिंग टेबल आ गई और अब कुर्सी पर बैठकर खाना खाया जाने लगा। कई लोग तो ऐसे हो चुके हैं जो अब जमीन पर बैठ ही नहीं सकते, उनका शरीर ऐसा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आप शायद नहीं जानते हैं कि ज़मीन पर बैठकर खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और यदि एक बार आपको ये फ़ायदे मालूम चल जाए, पता चल जाए, तो इन्हें जानने के बाद शायद आप कुर्सी पर बैठकर या खड़े खड़े खाना छोड़ दें। तो आज का ये वीडियो बहुत ही उपयोगी वीडियो है और आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि ज़मीन पर बैठकर खाने से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत एक प्राचीन परंपराओं का देश है और हर परंपरा का एक कोई ना कोई ठोस वैज्ञानिक कारण जरूर है, यानी कि भारत की प्राचीन परंपराओं के पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक तथ्य जरूर छिपे हुए हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं बनाई वो सभी हमारे हित के लिए ही बनाई थी। तो क्या कभी आपने सोचा है कि प्राचीन काल में क्यों बड़े बड़े ज्ञानी, राजा महाराजा तक जमीन पर बैठकर ही भोजन ग्रहण किया करते थे? क्या वो असभ्य थे, या उनके लिए टेबल कुर्सी बनवाना कोई बहुत मुश्किल काम था, या उनके पास पैसा नहीं था? तो आखिर ऐसा क्यों, आखिर वो धरती पर बैठकर ही भोजन क्यों किया करते थे? देखिए दोस्तों, राजा महाराजा और ऋषि मुनि सभी सर्व सक्षम थे, फिर भी वो ज़मीन पर बैठकर ही भोजन किया करते थे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि ज़मीन पर बैठकर भोजन करना एक योग की तरह होता है और उससे हमें कई शारीरिक और स्वास्थ्य फायदे मिलते हैं। हमारे ऋषि मुनि इस चीज़ को जानते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद में ये सब कुछ गड़बड़ा सा गया और हम टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगे। तो ज़मीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करने का सबसे बड़ा कारण था कि ज़मीन पर बैठकर खाना खाना एक योग की तरह होता है, क्योंकि जब आप ज़मीन पर बैठते हैं तब आपको आलती पालती मारकर बैठना होता है। जब आप आलती पालती मारते हैं तो ये योग की मुद्रा बन जाती है, योग का सुखासन या फिर अर्ध पद्मासन की स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप जाने अनजाने में योग मुद्रा को धारण कर लेते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी मुद्रा है। जब आप इस आसन में बैठते हैं तो इससे आपका मन, आपका मस्तिष्क शांत होने लगता है, आपका पाचन तंत्र एक्टिव होने लगता है, सक्रिय होने लगता है। जब आप सुखासन की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका पेट दिमाग को मैसेज भेजना शुरू कर देता है कि शरीर भोजन के लिए तैयार है, भोजन करने जा रहा है। जब ये संकेत दिमाग को मिलते हैं तो दिमाग भोजन पचाने के लिए जो जरूरी पाचन रस होते हैं उन्हें संकेत देता है कि भाई तुम निकलना शुरू हो जाओ, और इससे भोजन शीघ्र पचने लगता है। तो जब आप ज़मीन पर बैठते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर भी जोर पड़ता है। इससे क्या होता है, इससे आपके शरीर को आराम महसूस होता है। ज़मीन पर बैठकर खाना खाने पर सांसें थोड़ी धीमी होने लगती है, हृदय रिलैक्स होता है, मांसपेशियों का खिंचाव कम होने लगता है, इससे बढ़ा हुआ रक्तचाप कम होकर नॉर्मल होने लगता है। आपने देखा होगा कि आजकल हर दूसरा व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप का शिकार है, गोलियां खा रहा है। ये हमें अंग्रेज़ों और टेबल कुर्सी की देन है। भागती दौड़ती जीवन शैली इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आपके पास बैठने का समय नहीं है। तो यदि आप ज़मीन पर बैठकर रिलैक्स होकर भोजन करते हैं तो इससे आपका रक्तचाप भी नॉर्मल रहता है। इसके अलावा आजकल हर दूसरा व्यक्ति एसिडिटी, गैस, कब्ज जैसी बीमारियों का शिकार है। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि हमारे द्वारा चुनी हुई, हमारी इच्छा से चुनी हुई समस्याएं हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी पाचन क्रिया सही नहीं है। पाचन क्रिया का सही ना होना एसिडिटी, गैस और कब्ज का सबसे बड़ा कारण है। तो जब आप भोजन सही समय पर नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं करते हैं, तो आपका भोजन सही समय पर पचता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में भोजन पेट में ही सड़ने लगता है।
और इसका परिणाम एसिडिटी, गैस और कब्ज के रूप में मिलता है। तो जब आप जमीन पर सुखासन में बैठकर भोजन करते हैं तो सुखासन में बैठने से पाचन क्रिया सही होने लगती है, खाना सही तरीके से और जल्दी पचने लगता है। जब आप भोजन तनाव मुक्त होकर आनंदित होकर करते हैं, जो कि आप बैठकर ही तनाव मुक्त और आनंदित होकर भोजन कर सकते हैं, तो जब आप तनाव मुक्त और आनंदित करने वाले स्थिति में भोजन करते हैं, बैठकर भोजन करते हैं जमीन पर, तो आपको भोजन करने के लिए बार बार प्लेट की ओर भी झुकना पड़ता है। लगातार आगे और पीछे होने से आपके पेट की मांसपेशियां भी निरंतर कार्यरत रहती है, कार्य करती है, और आपकी पाचन क्रिया में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। तो जमीन पर बैठकर खाना खाने से ना केवल भोजन का मजा लेते हैं, बल्कि भोजन के साथ साथ आप योग भी कर रहे होते हैं, ये आपको मालूम नहीं है। जमीन पर बैठकर भोजन करने के लिए आपको पद्मासन में भी बैठना होता है। ये आपके पेट के पीठ के निचले हिस्से और कूल्हे की मांसपेशियों में लगातार एक खिंचाव बनाता है, स्ट्रेचिंग का कार्य करता है। इससे क्या होता है, इससे दर्द और खिंचाव से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यदि आप कभी कभार ऐसा बैठेंगे तो जो खिंचाव होगा उससे आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन यदि आप रेगुलर जमीन पर बैठकर खाएंगे तो फिर ये खिंचाव और दर्द से मुक्ति मिल जाती है। आपने देखा होगा कि जो लोग कभी कभी जमीन पर बैठते हैं उनके पैरों में और कूल्हे में खिंचाव होने लगता है और दर्द होने लगता है, ऐसी स्थिति में वो तुरंत खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो जमीन पर बैठ ही नहीं पाते हैं। तो जमीन पर बैठना और उठना आपके मोटापे को भी नियंत्रित रखता है। जी हाँ, जमीन पर बैठना और उठना एक बेहतरीन एक्सरसाइज, एक बेहतरीन व्यायाम होता है। तो अब भोजन करने के लिए तो आपको जमीन पर बैठना और उठना ही पड़ता है, यदि आप जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये एक्सरसाइज आपकी जाने अनजाने में खुद ही हो जाती है और आपके मोटापे को नियंत्रित करने में ये मदद करती है। और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी टेबल कुर्सी पर बैठकर एक ही थाली में चार पांच लोग खाना नहीं खा सकते हैं। जो घेरा बनाकर जो खाना खाया जा सकता है जमीन पर बैठकर, ये केवल जमीन पर ही संभव है। तो एक साथ बैठकर खाना खाने से परिवार के लोगों में प्यार और समझ बढ़ती है, अपनापन बढ़ता है। पद्मासन में बैठने से आपको मानसिक शांति मिलती है और दिमाग का सारा तनाव दूर होने लगता है। खासकर जब आप अपने परिवार के नज़दीक होते हैं तो सारा तनाव पूरी तरह से दूर होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जमीन पर बैठकर खाना खाना आपको डिप्रेशन से दूर करता है, आपके मानसिक तनाव को दूर करता है और आप अपने परिवार के नज़दीक आने लगते हैं। इसके अलावा घुटनों का व्यायाम हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है, शरीर का जो अंग आपने ठीक से काम लेना बंद कर दिया वो खराब हो जाता है। आजकल 50 वर्ष की आयु में ही लोगों के घुटने चेंज हो रहे हैं। आपने देखा होगा, अपने आसपास में भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो 50 वर्ष के हुए नहीं और घुटने बदलवाने पड़ रहे हैं। इसका भी कारण है कि जमीन पर बैठकर भोजन करने से आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। जमीन पर बैठने के लिए आपको अपने घुटने मोड़ने पड़ते हैं और उठते समय घुटनों पर जोर भी पड़ता है, तो ये आपके घुटनों का एक बेहतरीन व्यायाम हो सकता है। आपके घुटनों की लचक बरकरार रहती है, जिसकी वजह से आप जोड़ों के दर्द से, जोड़ों की समस्याओं से बचते हैं। इसके विपरीत जब आप टेबल कुर्सी पर बैठते हैं तो ऐसा कोई एक्सरसाइज आपकी होती नहीं है। जमीन पर बैठकर खाने से आपका पोस्चर सही रहता है, आपके बैठने का जो पोस्चर होता है, जो तरीका होता है, वो सही तरीके से आपका रहता है। तो शरीर में रक्त का संचार भी सही होता है, नाड़ियों में दबाव कम होता है, पाचन क्रिया में रक्त संचार एक बेहतरीन अहम रोल निभाता है। तो जब आपका पोस्चर सही होता है तो आपके नाड़ियों पर दबाव कम होता है, आपकी पाचन क्रिया सुचारू चलती है। जब आपकी पाचन क्रिया सही होती है तो आपके लीवर और आपके हृदय पर बोझ कम होता है। तो जब सही भोजन सही तरीके से आप करते हैं तो भोजन जल्दी पच जाता है, तो आपके लीवर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपके हृदय को, आपके हार्ट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और ऐसी स्थिति में वो लंबे समय तक स्वस्थ बने रहते हैं। तो इतने सारे फायदे हैं जमीन पर बैठकर भोजन करने के। तो दोस्तों, जब इतने सारे फायदे हैं तो फिर जमीन पर बैठकर खाने में शर्म कैसी, हमारे सक्षम पूर्वज भी तो जमीन पर बैठकर ही खाते थे, उन्होंने तो कभी अपने घुटने चेंज नहीं करवाए, उन्हें कभी पाचन की समस्या नहीं होती थी। तो यदि आप नियमित रूप से योगा नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम बैठकर खाना खाने में क्या हर्ज है, क्या शर्म है। बैठकर खाना खाने से योग के कई लाभ आप प्राप्त कर ही सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर
क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियां, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।